हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएससी मैथ में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग यह कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हमको जो है कि बीएससी मैथ्स ग्रुप से करना है, तो उसमें हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, क्या चार सब्जेक्ट होते हैं, पाँच सब्जेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बताया जाएगा कि अगर आप बीएससी मैथ्स ग्रुप से पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आपको बताते हैं कि अगर आप बीएससी मैथ ग्रुप लेते हैं तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अगर हम मैथ ग्रुप की बात करें तो बीएससी में पहला जो सब्जेक्ट होता है वह आपका मैथ होता है। जी हाँ दोस्तों, बीएससी मैथ ग्रुप से करते हैं तो उसमें पहला सब्जेक्ट आपको मैथ पढ़ना पड़ता है। उसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट के तौर पर आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ता है और तीसरे सब्जेक्ट के तौर पर आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, यह तीन सब्जेक्ट आपके बीएससी मैथ ग्रुप में होते हैं। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आपका नहीं होता है। सिर्फ इन्हीं तीन सब्जेक्ट को पढ़ करके आपको तीनों ईयर जो है कि परीक्षा देनी होती है। और एक चीज़ आपको बता दें कि जब आप बीएससी दो साल कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद तीसरे साल में पहुंचते हैं तो वहां पर एक सब्जेक्ट आपको छोड़ना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आप जब थर्ड ईयर में पहुँचेंगे तो वहाँ पर सिर्फ आपके दो ही सब्जेक्ट बचते हैं, तो आपका थर्ड ईयर में दो सब्जेक्ट हो गया और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपको तीन तीन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इतने ही सब्जेक्ट होते हैं, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं होता। ना तो आपका हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, और उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो गया वह नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब।